हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस साल भी महाराजा कामेश्वर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार ने स्वराज रचना और राष्ट्र निर्माण का गांधी मार्ग विषय पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर आनंद कुमार ने अपने भाषण में गांधी जी के राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को विस्तार से रखा। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर शशिनाथ झा ने प्रोफेसर आनंद कुमार के भाषण को विलक्षण बताया और फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर झा ने अपने अध्यक्षीय भाषण मैथिली भाषा में दिया। 1956 के अकाल के समय महाराज कामेश्वर सिंह के लोकोपकार की विस्तृत जानकारी दी। स्वागत भाषण फाउंडेशन के मानद सदस्य प्रोफेसर रामचंद्र झा ने दिया। अपने स्वागत भाषण में प्रोफेसर रामचंद्र झा ने प्रोफेसर आनंद कुमार का विस्तृत परिचय दिया और मिथिला के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में फाउंडेशन के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत भगवती वंदना और महाराज के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। धन्यवाद ज्ञापन पद्मश्री डॉक्टर जे के सिंह ने किया। डॉक्टर सिंह फाउंडेशन के मानद सदस्य भी हैं। मंच संचालन फाउंडेशन के कार्यपालक पदाधिकारी श्रुतिकर झा ने किया। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के तहत 24वीं पुस्तक के रूप में स्वर्गीय शशिनाथ चौधरी कृत मिथिला दर्शन नामक मैथिली पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा के पारसनाथ सिंह ठाकुर समेत उनकी पूरी टीम काफी सक्रिय दिखी। आपने यहां आकर इस व्याख्यान माला में एक विशिष्ट योगदान देने का जो संकल्प लिया है उसके लिए भूरी भूरी धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन आपका है। सभा की महत्ता तभी होती है जब उसका विषय वस्तु समझने की क्षमता वाले विद्वान उपस्थित हों। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष इस सभा में एक से एक विशिष्ट विद्वान उपस्थित होते हैं। यहाँ दो दो विश्वविद्यालय है, एक संस्कृत संस्थान है। जब हम संभाल सके तो हम आगे बढ़े। अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और जब नहीं संभाल सके तो गुलाम हो गए, बिखर गए, टूट गए, आपस में ही लड़े। तो ये तो काल गति है। आज 2023 में भारत के राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां, इस प्रश्न को जैसे ही हम रखेंगे तो तीन उत्तर आएंगे। अवसर भेटे है और वो महाराज कामेश्वर सिंह के लेक्चर दे संबंध में अवसर पर एक प्रकार के विद्वत गोष्ठी, एक प्रकार के विद्वान के जुटान शहर के प्रमुख विद्वान व इलाका के विद्वान लोकनि एकत्रित हो सबसे से दर्शन हो सबक भेंट हो मिलानी है आवश्यक है से हो फाउंडेशन द्वारा जिस जे शिक्षा जगत में कि सामाजिक कार्य में कि सांस्कृतिक कार्य में ये योगदान है, ये अभूतपूर्व योगदान है। एक हमारा लेकिन के गौरव के बात थी कि एतेक ग्रंथ के प्रकाशन एतेक जे कि दुर्लभ छल, देखनाइयो दुर्लभ छल, से ग्रंथ सब आबि रहल है एक द्वारा। तो ई एकटा उपलब्धि छी महाराजा अधिराज के आई स्मरण करै छियनि, प्रणाम करै छियनि, हुनका श्रद्धांजलि दै छियनि जयंती के अवसर पर। जे हुनकर जे अवदान छनि स्वर्णाक्षर में लिखल छनि